तो मैं अभी एक न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ, न्यू प्लेलिस्ट चालू करने वाला हूँ। तो ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, ये डिपेंड रहेगी हमारे CCNA जो कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क से नाम का कोर्स होता है, जिसमें हमें नेटवर्किंग के मेन टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं ये सब पढ़ाया जाता है, तो उसके बेस पे है ये। तो वैसे तो इसमें आपको अभी लेटेस्ट जो पेप में आया था नया, हालांकि उसके ऊपर अभी तक ज़्यादा कोर्सेज नहीं बने, तो उसके बारे में आपको पूरा अपडेट करूँगा। एंड देन जब इसकी एग्ज़ाम्स होंगी तो मैं आपको इसकी जो फीस, ये सब चार्जेस जो रहेंगे वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। एंड ये जो हमारा रहेगा CCNA का, तो हम इसमें पूरी, मैं आपको इतनी तैयारी करवा दूंगा कि आप इसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे CCNA आता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे CCNA के लिए सिस्को पैकेट प्रेशर पे। तो हम इसीलिए यहाँ लिख देते हैं सिस्को पैकेट प्रेशर डाउनलोड। तो यहाँ पर हमें नेट कैड पे जाना है, यानी नेटवर्क एकेडमी, सिस्को पैकेट ट्रेसर वाला ये खुल गया है। इसमें नीचे जाना है, थोड़ा इंट्रोड्यूस्ड पैकेट ट्रेसर लर्न मोड पे जाना है। अब यहाँ पर नीचे तरफ जाना है तो साइन अप करना पड़ेगा हमें। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पहले से है तो। नहीं तो यहाँ पर आप इनरोल नाउ पे करके बहुत इजीली आपकी एक आईडी बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास आईडी है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ सीधे ही। अब यहाँ पर नीचे की तरफ चलना है हमें, पैकेट ट्रेसर पे जाना है। इसका भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7.3.0 है, तो मेरे 64-bit विंडोज़ के लिए मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। एंड एट द टाइम जैसे ये डाउनलोड होगा हमारा, हम इसे रन कर लेंगे। तो ये अभी फटाफट डाउनलोड हो जाएगा हमारा। जैसे डाउनलोड होता है हम या तो यहाँ से डायरेक्टली रन कर लेंगे या अदर जगह से इसे हम रन कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए डाउनलोड होने लग रहा है, तो ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो मैं इसमें आपको फर्स्ट, अगर आप इसे विथ इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी आपके इंटरनेट कनेक्शन जब चालू हो तब इसे यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक बार आईडी से लॉगिन लेना पड़ेगा, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इससे आप फुल एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये सीधे ही लॉगिन दे देगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतने में यहाँ से मेरा पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ नेट कैड का। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया है, तो हम इसे लॉन्च कर देते हैं। तो जैसे हम लॉन्च करेंगे तो आपके सामने अभी एक लॉगिन मेनू आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। तो यूज़र लॉगिन ये आ गया हमारे पास, तो हम यूज़र नेम लिख देते हैं। उसके बाद की जितनी वीडियो रहेगी वो आपको देखना कंपलसरी रहेगा, तो उन वीडियोस का आप शुरू से एंड तक देखिएगा। यहाँ मैं आपको मैक्स प्रोली आपको बहुत इजी वे तरीके से बताना चाहूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लैंग्वेज हिंदी रहेगी, इनकी मैं अलग से इंग्लिश वीडियो भी लेके आऊँगा अगर आपको चाहिए होगी तो।
आपको फुल एक्सेस मिल जाता है रूट कंट्रोल्स पे। लाइक अगर आपको कोई डिवाइस रखना है तो सिंपल सा यहाँ से उठाइए, यूज़ कीजिए, काम कीजिए उस पर डायरेक्टली पावर ऑन डिवाइस सिंपली। ये यहाँ देखिए ये बूट हो रहा है, एंड जैसे बूट होगा हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये भी जो ऐसी थी जिसमें मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन बताने वाला था, कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे एंड कैसे उसको ओपन करेंगे। तो इसके बाद के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक लैन नेटवर्क बनाएंगे, कि हमारी चैप्टर वन की वीडियोज़ में रहेगा जो बहुत बेसिक वीडियोज रहेंगी। चैप्टर टू में हम लगभग वो आईपी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जहाँ हम जानेंगे ओएसआई मॉडल, आईपीएक्स मॉडल और आईपीवी4, आईपीवी6 सबनेटिंग। तो आईपीवी6 जो रहेगा वो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है टफ, बट मैं कोशिश करूँगा कि भाई उसको ईजीली समझा। तो इस वीडियो का एंड में यहीं पर करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आएगी तो ये इस वीडियो का आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स बाय।